गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में डायमेंशंस की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम सेकंड एप्लीकेशन टू डिराइव द फिजिकल रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, इसको समझने के लिए अपन ने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, उस क्वेश्चन से अपन ने इसको समझा था। वैसे ही जितने भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं वो ही स्टेप आपको लेने हैं जो मैंने उस क्वेश्चन में बताए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एल, सेकेंड इट मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल एम, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। आपको मैं बताता हूं, जो टेंशन है वो एक तरह का फोर्स है, जो रस्सी होती है, रबर होते हैं, इनके बीच में इनके अंदर लगने वाले फोर्स को अपन क्या कहते हैं, टेंशन। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वहां पे टेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टेंशन एक तरह का फोर्स है, तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, टेंशन की। तो आपको इनके बीच में रिलेशन डिराइव करना है, तो वही हमने जो बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है न्यू वो किसका फंक्शन है बेटा, वो है लेंथ का फंक्शन, स्ट्रिंग की लेंथ का फंक्शन, मास पर यूनिट लेंथ का फंक्शन, मास पर यूनिट लेंथ का फंक्शन और टेंशन टी का फंक्शन है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो तीन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे डिपेंड करती है ये अपने को जब उसकी डायमेंशन की वैल्यू निकालेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो हम लिखे न्यू प्रोपोर्शनल लेंथ, इसका डायमेंशन ले ले ए, मास पर यूनिट लेंथ इसका डायमेंशन ले ले बी, और टेंशन इसका डायमेंशन ले लिया मैंने सी। तो आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए न्यू प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो मैंने एक कांस्टेंट लगाया के, एल की पावर ए, एम की पावर बी और टी की पावर सी। बेटा यहां पे जो के है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपन क्या लिखते हैं, दोनों तरफ एमएलटी लिखेंगे, इन दोनों का एमएलटी फॉर्मूला लिखेंगे और उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिससे अपने को ए बी और सी में इक्वेशन मिलेगी। उन इक्वेशन से इन इक्वेशन को सोल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन का कोई डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होते हैं, अपॉन में क्या है, टाइम। तो क्या होगा इसका डायमेंशन, टी माइनस वन। एल क्या होता है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन आप जानते हो क्या होता है, एल वन, और एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, एम क्या है, मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो डायमेंशन हो जाएगा इसका बेटा एम वन एल माइनस वन। और टेंशन, टेंशन क्या, एक तरह का फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू। तो ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो अपने को क्या मिलेगा, एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें अपन कंपैरिजन करेंगे इस डायमेंशन का, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपैरिजन करेंगे तो अपने
अपने को तीन इक्वेशन मिलेगी ए बी और सी, उनसे अपने को ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन रखता हूं टी वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन को ऐसे लिख ले एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ठीक है। के डायमेंशन लेस है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बेटा एल वन, ऊपर पावर ए तो एल हो जाएगा, एम क्या है मास ट्रांसफर लेंथ, जिसका डायमेंशन क्या है एम वन एल एल माइनस वन, ऊपर पावर बी है तो क्या हो जाएगा बेटा एम की पावर बी और एल माइनस बी, और लास्ट में टी टेंशन, टेंशन फोर्स, फोर्स का डायमेंशन है एम वन एल वन टी माइनस टू, ऊपर पावर सी है तो क्या हो जाएगा एम की पावर सी एल की पावर सी टी माइनस टू सी। तो इक्वेशन बनेगी अपनी एम की पावर जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ये होगा बेटा एम, देखिए बेटा एम की पावर बी और एम की पावर सी मिलकर क्या होगा एम की पावर बी प्लस सी, एल की पावर देखिए एल की पावर ए एल की पावर माइनस बी और एल की पावर सी, तो क्या बनेगा ए माइनस बी प्लस सी, और टी की पावर कितनी होगी माइनस टू सी। कंपेयर करें तो बेटा जो बी प्लस सी है वो किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। ए माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल, देखिए यहां पे एल की पावर क्या है ए माइनस बी प्लस सी और इधर एल की पावर क्या है जीरो, तो इक्वेशन बनेगी बनेगी इक्वेशन थर्ड। और माइनस टू सी किसके इक्वल आएगा माइनस वन के, तो बेटा यहां से सी की वैल्यू अपने को मिलेगी वन अपॉन टू, सी की वैल्यू मिलेगी वन अपॉन टू। ये सी की वैल्यू अगर अपन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो बी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी अपने को, तो बी सी की वैल्यू पुट करते हैं वन अपॉन टू इक्वल जीरो, तो बी की वैल्यू मिलेगी माइनस वन अपॉन टू, तो सी की भी वैल्यू मिलेगी बी की भी वैल्यू मिलेगी। अब अपने को चाहिए ए, तो इक्वेशन थर्ड में अपन बी और सी को पुट करते हैं तो ए की वैल्यू अपने को मिलेगी, तो देखिए ए बी की वैल्यू कितनी बेटा माइनस वन अपॉन टू, यहां पे क्या है माइनस बी तो क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन टू, सी की वैल्यू कितनी है वन अपॉन टू इक्वल में क्या है जीरो, ये कितना आ गया हाफ हाफ वन इक्वल में जीरो, ए की वैल्यू मिलेगी बेटा माइनस वन। इन तीनों डायमेंशन अपने को मिल गए मतलब ए बी सी की वैल्यू मिल गई, इनको वापस अपन इक्वेशन वन में पुट करते हैं। तो इक्वेशन वन से देखिए जो फ्रीक्वेंसी है न्यू के एल, एल के ऊपर पावर कितनी है बेटा ए, ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन, मास पर यूनिट लेंथ एम, बी की पावर कितनी है माइनस वन अपॉन टू, और टेंशन, टेंशन के ऊपर पावर सी है, सी की वैल्यू कितनी है बेटा वन अपॉन टू। तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं के एल की पावर माइनस वन, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो एल की पावर वन, तो क्या लिख सकते हैं एल लिख सकते हैं, ये टी की पावर हाफ और टी की पावर एम की पावर माइनस हाफ, एम को अपन डिवाइड में लेके जाएं तो ये आ जाएगा प्लस का हाफ, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा रूट टी अपॉन एम। तो ये अपने को रिलेशन मिल गया किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी टेंशन मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ में। तो ऐसे आपको वेरियस फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन डायमेंशन की थर्ड एप्लीकेशन वो पढ़ेंगे।